गाइस बुबू ने चाय यहाँ पी ली है। अब मैं जा रही हूँ घर को, और वहाँ पर चाची लोग बैठे हुए थे। क्या पता 2 मिनट वहाँ पर ही बैठ जाऊँ। मैं जाती हूँ तो मिलाती हूँ आप लोगों को चाची लोगों से। ओके गाइस, यहाँ पर से मेरी चाची घास काट रही है। ये देखो, ये इसमें हो रखे हैं यार, बेड पे पक रखे हैं। इसमें अब दिख तो नहीं रहे हैं, बट मुझे उतने एक दो दिख रहे थे। और यहाँ चाची घास काट रही है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप लोगों का न्यू ब्लॉग में, न्यू दिन के साथ, न्यू शुरुआत के साथ। तो अभी सुबह की बज रही है 7:30, और मैं उठ चुकी हूँ, नाश्ता भी करके आ गई हूँ, मुँह हाथ भी धो लिया है। तो आज हमारे यहाँ मड़ाई हो रही है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे बने रहना आगे को। सो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7:30, और यहाँ बुबू ने वो लगा दिया है, धान का लुटा ऐसा लगा दिया जिससे अभी बैल जूतेंगे। नहीं जा रहे तेरी बनाऊंगी। गाइस अभी आमा लोग मम्मी लोग चाय पी रहे हैं, और पापा भी चाय पी रहे हैं, और यहाँ हम बैल मान रहे दिखाए। इतना पराल निकाल चुके हैं साइड, अभी और निकालेंगे। गाइस यहाँ पराल बांधने लग गए हैं मम्मी लोग, आमा लोग, दिखो। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर वाले घर में। यहाँ पर मुझे गेरू लगाना है और एपर देना है। बुबू आ रखे मेरे साथ, बुबू घास लेके आए थे, और हमारे गाय बच्चा भैंस देखो कैसे कर रही है। सो गाइस यहाँ पर कल पेंट पूरा करके चले गए थे पापा लोग पूरे उसमें, और पापा बुबू अब लगाएंगे इनको वो क्या बोलते हैं, चावल से थुप्पा ऐसा कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं पहाड़ी में। गाइस इसे नीचे वाले घर में लगाया था, यहाँ पर बुबू लगाएंगे। ये देखो बुबू लगा रहे हैं, इसमें चावल पीस रखा था मैंने, और खोड़ा भी कम नहीं हो रहा हमारा। लेकिन भैंस दिख रहा, हाँ अब बुबू इसको लेंगे, देखना कैसे करेगा हमें खाने के लिए। ये पहाड़ी लुक, ये देखो, ये देखो गाइस। अभी फाइनली मैंने एप्पल दे दिए, ये देखो इधर भी और इधर भी पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। और अब मैं चाहती हूँ यहाँ से घर को। गाइस हमने आज मान दिए हैं, थोड़ा ही उड़ गए, ज़्यादा नहीं उड़ गए हैं। इधर आमा, यहाँ मम्मी, यहाँ भी आमा, और इधर पापा बैठे हैं। यही व्लॉग में क्यों ठंडा बहुत हो रहा है। स्वेटर में एक ही लाई हूँ ना, इस वजह से एक ही पहन रही हूँ। आप लोग भी बोलोगे कि दीदी यही स्वेटर मार रही है, एक ही स्वेटर लाई हूँ ना मैं क्योंकि इसलिए। और हमारा पराल इतना सारा उड़ गया है, और अभी मम्मी लोग इसको ऊपर वाले घर ले जाएंगे। फिर मम्मी यहाँ पर पराल के लूटे लगाएगी, उसके बाद उसको ले जाएगी उधर को। वहाँ देख रहे होगे पापा जा रहे हैं आगे से, वहाँ पर एक लूटा लगाया हुआ है ना, वहाँ लगाएंगे हम लूटा पराल का। गाइस अभी मैं आ रही हूँ यहाँ खेत में, स्कूल वाले खेत में, और यहाँ बुबू ना पानी झोल रहे हैं, इसमें लगा रखा है बीना हमने प्याज का, और उधर हमने लहसुन लगा रखा थोड़ा सा बैक साइड से, और इसमें सारे खेत में आलू लगा रखे हमने, देखो गाइस। और ऊपर वाले खेत जो है ना, यहाँ पर हमारा छोटा सा ऊपर से भी खेत, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया इसमें भी। और बुबू को चाय देने आई थी मैं यहाँ पर खेत में, इसी बहाने मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना दूँ। गाइस बुबू चाय पी रहे हैं और इसमें पानी झोल रहे हैं आज। गाइस बुबू ने चाय यहाँ पी ली है, अब मैं जा रही हूँ घर को, और वहाँ पर चाची लोग बैठे हुए थे। क्या पता 2 मिनट वहाँ पर ही बैठ जाऊँ। मैं जाती हूँ तो मिलाती हूँ आप लोगों को चाची लोगों से। ओके गाइस देख रहे हो यहाँ ना मिर्च लगी हुई है पेड़ में, पर यहाँ बहुत छोटी मिर्च हो रही है, और यहाँ जो है हरी सब्जी भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। और मैं इसी रस्ते जा रही हूँ घर को, और यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा रखा है गाइस, क्या बोलते हैं उसका नाम, अदरक खेत में। और झाड़ वाड़ तो बहुत हो रहा है इसमें, घास हो रही है, और इधर के धान सब काट दिए हैं, खेत खाली हैं अभी। यहाँ देखो चाची और आमा यहाँ पर खेत साफ़ कर रहे हैं, इसमें लगाएंगे फिर लहसुन। और मीनाक्षी वहाँ घास काट रही है, और वहाँ चाचा जी हल जोत रहे हैं ट्रैक्टर से, और उनकी लड़की वहाँ है, एक चाचा वहाँ हैं। देखो गाइस, और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, मंदिर का वीडियो मैं आप लोगों के साथ परसों को लेके आऊँगी, जिस दिन त्यौहार होगा। ओके इसमें अभी गई थी चाची उनके साथ बैठने के लिए, वहाँ पर गप्पे मारने के लिए, थोड़ी देर वहाँ से गप्पे मार के आ चुकी हूँ। और तो डायरेक्टली मेरी चाची ऊपर से नीचे आ गई थी खेत में घास काटने के लिए, तो चाची ने मुझे बोला कि नीचे वाले खेत में आ जाना, तो इसके बाद तो मैं चाची के पास जा रही हूँ। चाची शायद घास काट रही है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस। और यहाँ के खेतों में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्जी हो रही है थोड़ा बहुत, बैगन वैगन, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है, मिर्च हो रही थोड़ा,
और कुछ नहीं हो रहा है। और मेरी चाची अपने साथ के लिए कुत्ते को लेके आई है अपने साथ, वो देखो रॉकी रॉकी कहने में लगी पड़ी है। और यहाँ से काट रही है घास, ये देखो गाइस, ओह दिख रही होगी वहाँ घास काट रही है और कुत्ता वहाँ वेट कर रहा है ऊपर। चाची को लग रही है डर, वाल डर किस चीज़ की चाची, डर किस चीज़ की लग रही? चाची कह रही मुझे जहाँ डर लगती है, डर लगने वाली जगह है भी गाइस, क्योंकि ये पूरा हमारा खेत है, इधर से उधर तो पूरा हमारा खेत है, बट यहाँ पर एक बार ना चित्ती देखा था तो बहुत डर लगती है, इसलिए तो यहाँ पर कमी आते हैं, मतलब चाची कमी आती है। आज पता नहीं कैसा आ गई घास काटने, इस तुम यहीं आते हो कुत्ते को लेके, कुत्ते को लेके आते हो तुम यहाँ? ये देखो चाची, ये कभी कभी आता है बल गाइस। तो ये हमारा खेत अभी पूरा खाली हो रखा है, उधर का नीचे वाला खेत भी, उसके नीचे वाले भी, यहाँ पर तीन चार खेत हमारे गाइस तो सारे खाली हो रखे हैं। यार इसमें बेडवे हो रहे हैं क्या चाची? बेडवे आजकल पकते हैं, खाते हैं उसको, पक रखे हैं, देखो इसमें रेड रेड से हुए हैं। यहाँ पर से मेरी चाची घास काट रही है, ये देखो ये इसमें हो रखे हैं यार, बेडवे पक रखे हैं, इसमें दिख तो नहीं रहे हैं बट मुझे उतने एक दो दिख रहे थे। और यहाँ चाची घास काट रही है, मैं आ चुकी हूँ चाची के साथ, चाची घास लेके आ रही पीछे से और मैं खाली हाथ जा रही हूँ। मैं बोली आ रही हूँ यार, ऐसे भी नहीं है, खाली हाथ भी नहीं जा रही, मतलब मैं चाय लेके आई थी ना बुबू के लिए, तो इसलिए चाची के साथ आ गई थी मैं। तो चलते हैं घर को अब, गई तो मैं अकेले थी लेके, मैं इतने सारे लोगों को आ रही, देखो एक घास लाते लाते एक तो फूल लेके आ रही, इसमें चाची बीच में है, मीनाक्षी है उसकी सिस्टर है, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं घर को, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ अभी खेत से, और अम्मा यहाँ पर बता रही है, देखो और शाम को टाइम हो गया, ठंडा ठंडा सा होने लग गया है गाइस। सब मम्मी सब्जी काट रही है इसमें, आलू मूली, और आमा ये देखो आमा सर पर रख के ला रही है, और यहाँ आमा इसको करेगी। गाइस आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ज़रूर देखना आप लोग।